रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिफेंस के स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम सभी जगह काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रहा है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये जानना बनता है कि अचानक ये क्या हो गया, क्योंकि पास्ट में तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि अचानक ये फंड्स या स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं और फ्यूचर में हम इन्हीं फंड्स और स्टॉक से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसी से हमें ये डिसाइड करने में सुविधा होगा कि क्या हमें इस तरह के स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। जब भी हम किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं तो उस टॉपिक का पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो सबसे पहले हम डिफेंस थीम या सेक्टर से रिलेटेड निगेटिव बातों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद पॉजिटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पॉजिटिव मैं पहले बता सकता हूँ, निगेटिव बाद में बता सकता हूँ, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि पहले का पॉजिटिव निगेटिव सुनने के बाद मोस्टली निगेटिव हो जाएगा, अब पूरा निगेटिविटी फैल जाएगा और मैं इस सेक्टर या थीम को लेकर निगेटिव नहीं हूँ। इसीलिए पूरा वीडियो अच्छी तरह से वॉच करें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निगेटिव इन्फॉर्मेशन का हम स्टार्ट करते हैं ICICI सिक्योरिटीज़ के ब्रोकरेज रिपोर्ट से। तो उस ब्रोकरेज रिपोर्ट में बोला गया है कि मजडाउन डॉक का जो शेयर है वो 77% तक गिर सकता है। तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैला है इसके कारण। और रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम्स को, तो इंडेक्स को अगर आप देखेंगे डिफेंस इंडेक्स को, तो लास्ट वन ईयर में कुछ समय पहले तक वो 150% का रिटर्न शो कर रहा था। HDFC डिफेंस फंड भी थोड़ा पुराना हो गया, वन ईयर प्लस है, तो ये भी वन पॉइंट ऑफ टाइम 100% प्लस का रिटर्न दे रहा था। और इसी को देख कर ऑफकोर्स फिर ऑल भी फंड्स आए, लाइक मोतीलाल ओसवाल का भी फंड आ चुका है, इंडेक्स फंड है लेकिन वो, और आदित्य बिरला का भी NFO चल रहा है फिलहाल। सो लेट्स सी कैसा रिस्पॉन्स वहाँ मिलता है। तो HDFC का लास्ट वन मंथ का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे डिफेंस फंड का, तो अबाउट 3% के आसपास गिरा है, जबकि मोतीलाल ओसवाल का इंडेक्स फंड, डिफेंस का इंडेक्स फंड अबाउट 6% के आसपास गिरा है। तो इस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ, क्यों ज़्यादा गिरा है मोतीलाल का, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स फंड है ना, रिप्लिकेट करते हैं आप इंडेक्स को, जबकि HDFC ने बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड डिफेंस स्टॉक्स में एक्सपोजर कम लिया था, तो इसीलिए थोड़ा कम गिरा है। ऑलरेडी मैंने पास्ट वीडियोस में ये मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, तो उन वीडियोज़ को अगर आप वॉच करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ना हम स्टॉक्स को देख लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह का गिरावट आया है। तो सबसे ज़्यादा गिरावट है गार्डन रीच से बिल्डर्स में, अबाउट 37% का लास्ट वन ईयर का यहाँ पर आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और सारे PSUs में ही गिरावट आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे PSUs भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफेंस ही है, लेकिन हाँ डिफेंस में बहुत ज़्यादा गिरावट आया है। उसके अलावा कोचिन शिपयार्ड देखें 30% गिरा हुआ है, भारत डायनेमिक्स 27%, मजगांव डॉक 27%, तो बहुत ज़्यादा गिरावट आया है। देखिए, जब भी कोई स्टॉक 20% से भी ज़्यादा गिर जाता है तो उसे बोलते हैं बियर फेज में आ गया है, तो ज़्यादातर स्टॉक्स ही बियर फेज में आ चुके हैं। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं कि गिरावट इतना ज़्यादा आ क्यों रहा है। तो देखिए, ये रीज़न आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए, कोचिन शिपयार्ड लास्ट वन ईयर का रिटर्न देखिए 388% मल्टीबैगर रिटर्न्स, मजगांव डॉक 142%, HAL 135%, BEL 129%, भारत डायनेमिक्स 128%, इतना ज़्यादा रिटर्न आया है इन स्टॉक से। तो अगर किसी ने पहले ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा रिटर्न आया है। तो अभी जो थोड़ा बहुत गिरा भी है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो हाँ, लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स हैं ना, पास्ट रिटर्न को देखकर जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट किया होगा, उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, दैट आई एग्री। तो देखिए, जो हाई रिटर्न्स आया उससे हुआ क्या, उससे वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, ऊपर जो मैंने रेड कलर में शो किया हुआ है ना, वो वैल्यूएशंस है, लाइक कोचिन शिपयार्ड जो लिखा है उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 61.9 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चला गया, मजगांव डॉक का 39 का पी रेशियो है, HAL का भी 39 के आसपास है, BEL का 52 से भी ज़्यादा है और भारत डायनेमिक्स का 83 के आसपास है। अभी हमने समझ लिया कि डिफेंस सेक्टर या थीम में हुआ क्या और क्यों हुआ। अब जान लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे ही हम डिसीजन लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि ये जो डिफेंस थीम है या सेक्टर है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, डिफेंस थीम या सेक्टर ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? सबसे पहले आपको अपना नेबरहुड देखना होगा, नेबर्स में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। 3 मेजर कंट्रीज़ का नाम मैं लेना चाहूँगा। नंबर 1 है चाइना, 2nd है पाकिस्तान और 3rd है बांग्लादेश। ये कई बार पहले मैं रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन हाँ फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ।
सबसे बड़ा एनिमी इंडिया का अगर आप देखें तो चाइना है। चाइना हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पैसा भी ज़्यादा है उसके पास, डिफेंस इक्विपमेंट भी हमसे ज़्यादा है, तो उससे हमें कम्पीट करना है। पाकिस्तान ऑफ कोर्स हमसे वीक है, लेकिन हाँ चाइना पाकिस्तान अगर साथ में आते हैं तो हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। बांग्लादेश ऑफ कोर्स वहाँ पे तो गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, एक गवर्नमेंट है जो कि इंडिया के सपोर्ट में होता है, अगर वही गवर्नमेंट चेंज होकर दूसरा गवर्नमेंट आ जाएगा तो बांग्लादेश हमारा एनिमी बन जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा फेवर करने वाला गवर्नमेंट था वो अब जा चुका है। अब सो कॉल्ड मोस्टली ऐसा लगता है कि जो भी गवर्नमेंट आएगा वो इंडिया के तरफ फेवरेबल नहीं होगा, तो उसे भी आप मोस्टली एक एनिमी की तरह ऐड कर सकते हैं। और इन सबसे भी बड़ा एक और बड़ा हेडेक इंडिया के लिए हमेशा रहा US, यू नेवर नो US क्या करेगा। मतलब बांग्लादेश में भी जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मोस्टली ऐसा बोला जा रहा है कि US की तरफ से ही प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है। तो देखिए इंडिया में प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं नेबर को अगर आप देखा जाए, इसीलिए डिफेंस का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। यू नेवर नो ना, चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश सभी मिल जाएंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम, अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो हमें सबके साथ एक साथ मुकाबला करना होगा। तो मुकाबला करने का देखिए दो ऑप्शंस हैं हमारे पास ना, एक तो है कि भाई हम बाहर से सब कुछ इम्पोर्ट कर लें, US से खरीदें, रसिया से खरीदें, वहाँ से डिफेंस इक्विपमेंट मंगा लें। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा ना कि जब वॉर होगा वी डोंट नो कौन किसके साइड पे खड़ा होगा। मान लीजिए US ने उस समय मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं सप्लाई करूँगा वॉर के समय, हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए चाइना के साथ हमारा प्रॉब्लम हुआ, रसिया ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है, लेकिन अगर चाइना के साथ इशू होता है तो हो सकता है रसिया भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, क्योंकि चाइना और रसिया का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है। तो इसीलिए पूरी तरह से बाहर डिपेंडेंट होना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और गवर्नमेंट इस चीज़ को समझता है। इसीलिए मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव चल रहा है, और इसीलिए पूरे सेक्टर को या थीम को गवर्नमेंट की तरफ से टेलविंड मिल रहा है। जो आप रीसेंट बजट है उसी को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ना, 6.21 लाख करोड़ का एलोकेशन रखा गया बजट में डिफेंस के लिए, जो कि टोटल बजट का है वो 12.9% है, और उसमें भी 1.72 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है, मतलब इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, और 1.05 लाख यहाँ पे डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए कि डोमेस्टिक कंपनीज को इस तरह का पैसा मिलेगा 1 लाख करोड़ प्लस का। तो ये पूरा जो पैसा है ऑफ कोर्स डोमेस्टिक कंपनीज को मिलने जा रहा है, तो बिल्कुल इसका फ़ायदा हो रहा है। तो देखिए ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे इन कंपनीज़ का बहुत अच्छा है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो फिलहाल का जो बिजनेस चल रहा है या फ्यूचर पोटेंशियल अगर आप देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बिजनेस वाइज, लेकिन कोई भी कंपनी या स्टॉक में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो दो चीज़ें आप देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि फंडामेंटल्स कैसा है, फ्यूचर पोटेंशियल कैसा है, वहाँ पे तो डिफेंस ठीक लग रहा है, लेकिन सेकंड पॉइंट आप देखते हैं वैल्यूएशन, क्योंकि अगर वैल्यूएशन सही नहीं है तो वहाँ आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और यहीं पर यह सेक्टर या थीम फिलहाल मात खा रहा है, क्योंकि रिटर्न्स इतना ज़्यादा आ चुका है ना, उसके कारण वैल्यूएशन ज़्यादातर केसेस में बहुत ज़्यादा हो चुका है। जब भी आप किसी भी PSU स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो हमेशा ध्यान में रखें कि PSU स्टॉक में ज़्यादातर स्टेक गवर्नमेंट के पास होता है, इसीलिए जो फ्लोटिंग स्टॉक है जिसमें कि हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो बहुत कम होता है। इसीलिए यहाँ पे ऑपरेटर्स को ना प्राइस मैनिपुलेट करने में काफ़ी आसानी होती है, इसीलिए ऊपर जा रहा है तो लगातार ऊपर चलता जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा। लेकिन हाँ ऑफकोर्स देखिए अगर रिटर्न आ रहा है तो एडवांटेज उठाना चाहिए, इसमें तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन दिमाग लगाकर एडवांटेज उठाना है तो उसके लिए आप अगर किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, खासकर PSU, यहाँ पे तो डिफेंस की बात करें तो डिफेंस के स्टॉक में, तो वहाँ पे क्वालिटी और वैल्यूएशन का ध्यान जरूर रखें। देखिए जब भी टेलविंड आता है किसी सेक्टर या थीम में तो उसमें जो भी स्टॉक्स हैं, क्वालिटी अच्छा हो ख़राब हो डजेंट मैटर, सभी कुछ ऊपर जाने लगता है। डिफेंस में भी वही हो रहा है, कई जगह पे स्टॉक का अगर आप ना करेंट ऑर्डर बुक देखें या फ्यूचर भी देखें तो उतना ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ भी बहुत तेज़ी से ऊपर प्राइस गया, रिटर्न्स बहुत आए हैं, क्योंकि सस्टेनेबल नहीं है। तो देखिए जब भी यहाँ पर अच्छा खासा करेक्शन आ जाए और अगर आप एक्सपोज़र लेना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स और भी करेक्शंस का वेट करें, मैंने हमेशा बताया है पहले वीडियोस में, मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे, तो एक बार थोड़ा वैल्यूएशन रीजनेबल हो जाए अगर कोई अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स एक्सपोज़र लिया जा सकता है। अभी आने वाले कई सालों तक ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है
कई बार आप लोग का कमेंट आता है ना कि नहीं यहाँ पे तो कभी कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता है, डिफेंस का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हमेशा अच्छा रहेगा। देखिए ये पॉइंट भी सही नहीं है, हमें सब कुछ पता होना चाहिए जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये सेक्टर फिलहाल ना ज़्यादातर केसेस में गवर्नमेंट डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट की तरफ से आएगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं आएगा तो डाउन हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट का बात हो रहा है। अग्री 50,000 करोड़ का बात किया जा रहा है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे आने वाले सालों में, और अभी 20,000 करोड़ प्लस का एक्सपोर्ट हो भी रहा है, दैट इज अग्री, लेकिन अभी भी टाइम लगेगा एक्सपोर्ट्स में ना और बढ़ने में। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि मान लीजिए गवर्नमेंट चेंज हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है कि गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं जो इंडियन कंपनीज़ हैं सही से बना नहीं पा रही हैं, या फिर क्वालिटी अच्छा नहीं है, या फिर डिले हो रहा है, तो ये रिस्क है, हमेशा रहेगा, इसको आप ध्यान में रखें। तो इन्वेस्टमेंट करें लेकिन बातों को ध्यान में, अगर इस तरह का कुछ होगा तो पूरा का पूरा सेक्टर धड़ाम से गिरेगा, बुरी तरह से गिरेगा। तो फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा है लेकिन रिस्क भी यहाँ पे है। मैं इस रिस्क को एक एग्जांपल से समझा लेता हूँ। लाइक HAL है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, फ्यूचर में भी लगेगा बहुत अच्छा ऑर्डर बुक रहेगा, फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा लग रहा है HAL का, और लगता है कि अगर इस तरह का परफॉर्मेंस आता रहा तो स्टॉक प्राइसेस और भी आने वाले समय में ऊपर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक इशू क्या हो सकता है कि देखिए जैसे HAL को अभी तेजस फाइटर जेट बनाना है, बना रहे हैं वो, तो वहाँ पे जो इंजन है वो GE सप्लाई कर रहा है US से, तो वो बोला जा रहा है कि वो इंजन सप्लाई करने में डिले करेगा। अब वो डिले होगा तो ये जो फाइटर जेट्स को सप्लाई करना है ना HAL को, उसमें डिले आ जाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स की मैं बात बोल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि बिज़नेस की कमी नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बिज़नेस दे रहा है, लेकिन वही है PSU कंपनीज़ को ना उसे एग्जीक्यूट करना है, क्वालिटी अच्छा रखना है, टाइम पे डिलीवरी करना। अगर ये सब रखा गया, अगर कंपनीज कर पाई तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आया तो ऑफकोर्स यू नेवर नो, गवर्नमेंट बोलेगा नहीं बहुत डिले हो रहा है तो मैं इंपोर्ट कर लूँगा, तो अगर उस तरह का होता है तो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। तो देखिए इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो देखिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए अभी तो इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं बनता है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत और गिर जाए तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई SIP से इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैं फिर से बताऊँगा, हमेशा मैंने बताया, अगर आप एक ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जिसको अननेसेसरी हेडेक नहीं चाहिए, मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो इस तरह के फंड से दूर रहें। सिर्फ डिफेंस की मैं बात नहीं बोला, किसी भी सेक्टर या थीमेटिक फंड से दूर रहें। आपके लिए डाइवर्सिफाइड फंड बेस्ट हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, उससे बाहर नहीं निकले, लॉन्ग टर्म में वहीं से आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे, ठीक है, तो इन चक्रों में आप नहीं पड़े। लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छा खासा आइडिया है या फिर थोड़ा बहुत आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट हाँ जो भी मैंने बताया इस वीडियो में उसका आप ध्यान रखें। उसी तरह से स्टॉक्स देखिए वैल्यूएशन का खेल है, वैल्यूएशन और क्वालिटी, तो अभी भी कुछ अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं डिफेंस में, ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, सिर्फ कंसर्न है वैल्यूएशन। तो एक बार वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाए तो वहाँ पे आप क्वालिटी और वैल्यूएशन चेक करें, अगर अच्छा क्वालिटी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिलता है, थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड चलता है, एग्री, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो इन बातों को ध्यान रखकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मोस्टली लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छा बीतेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें, मैं ट्राई करूंगा आने वाले वीडियोज़ में उसे आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।